मैंने कहा था ना, इसे नींद आ रही थी। आप तो सब जानती हैं, लेकिन आप शायद ये बात नहीं जान पा रही कि ऊपर वाले भी चाहता है कि कोई दूसरा मेरा काम ना करे। अब मैं खाना गर्म करके ले आती हूँ। सुने, इसको ले जाएं प्लीज। हाँ छोड़े, मैं करता हूँ। मेहताब बेगम, मैं देख रहा हूँ कि आपकी भतीजियाँ जो है ना, वो चांद के गिर चक्कर लगा रही हैं और उसकी खिदमत करने के चक्कर में वो। हाँ तो क्या हो गया? अच्छा है ना, मेरे बेटे को एक्स्ट्रा केयर मिल रही है। भाई एक्स्ट्रा केयर तो तब मिलेगी ना जब वो केयर करेंगी। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि उनकी टाइमिंग ही नहीं मिल रही। उनके आने से पहले सितारा चांद को खाना खिला देती है, उसकी ड्रेसिंग कर देती है, समझी तुम? तो ये सितारा की गलती है ना कि वो उन तीनों को मौका क्यों नहीं दे रही है। कमाल कर रही हो भाई तुम, यानी इसके इल्जाम में तुम सितारा को दे रही हो। बात को समझने की कोशिश करो मेहताब। सितारा जो है ना, ये फर्ज समझ के कर रही है। उसे लगता है कि ये हाल चांद का उसकी वजह से हुआ है। खूब समझती हूँ मैं कि आपकी भांजी मेरे बेटे की इतनी खिदमतें क्यों कर रही है। यही तो मसला है। तुम्हारी सोच सिर्फ वो है जो तुम्हारी भतीजियां करना चाहती हैं, जबकि मैं वो सोच रहा हूं जो मेरी भांजी कर रही है। उफ, आपको तो बस मैं और मेरा खानदान ही गलत नजर आते हैं हर वक्त। अरे मैं तो एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, तुम तो हद से उखड़ जाती हो। हाँ तो क्यों ना उखड़ू हद से? एक आप और एक आपका वो बेटा फंसा के रख दिया है मुझे, फैसला ही नहीं कर पा रहा किसी तरह। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? उससे तुम्हें फंसाया, तुम लोगों ने फंसा के रखा उसे। जब से यहाँ आया बेचारा कुछ ना कुछ उसके साथ हो ही रहा है। वैसे भी ये घर नहीं रहा, चिड़िया घर बन के रह गया। क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा उसको आगे मुझे नहीं पता। पहले तुम्हारी जान टूटी, अब उसके साथ ही हो गया। बेटी की शादी खत्म होते होते ना जाने क्या कुछ हो जाएगा। संभाल लो मामला, वरना पछताओगी तुम। पछताओगी? आपको तो ना बस मौका मिले मुझ पर और मेरे खानदान पर इल्जाम लगाने का। बच्चे, मैं यहाँ एक लड़के की तलाश में आया हूँ। जैसी मेरा काम हो जाएगा, उस लड़के से मुलाकात हो जाएगी, मेरा काम खत्म हो जाएगा, समझा? लेकिन बाबा, ये इतनी बड़ी गली है, यहाँ तो बहुत सारे लड़के होंगे, वो हमें कैसे मिलेगा? वो बहुत खूबसूरत होगा और एक बड़े बंगले से बाहर निकलेगा और वो घर का लाडला होगा। आप उसे क्या बताएंगे? नाम है मेरा डोली बाबा, मौक्कल है मेरी हमजोली। उस बच्चे पे जिन्नातों का साया है और उस पे बुरी नजर है। जैसे ही वो मेरे सामने आएगा, मैं उसके जिन्नात दूर कर दूंगा। बाबा बाबा, बता दो क्या परेशानी आने वाली है? हटो, दूर हो तुम, बाबा से ऐसे नहीं मिल सकते, गुस्ताख बच्चे। अरे भोलू, आने दे बच्चे को, आने दे, ना कर ऐसा। तो बाबा प्लीज बता दो क्या परेशानी आने वाली है? बच्चे, तेरी दुल्हन किसी और के घर जाने वाली है और उसके घर का चांद बनकर चमकने वाली है। बसंत चांद की दुल्हन? नहीं, नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज कुछ करो ना, करो ना। बेफिक्र हो जाओ बाबा, पहुंचे हुए। तू एक काम कर बच्चे, तू मुझे अपने घर सोने की जगह दे दे। मैं ऐसा इल्म करूंगा कि तेरी शादी उसी लड़की से हो जाएगी। और नाम है मेरा डोली, मौक्किल है मेरे हमजोली। सच्ची? हाँ मुच्ची, बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। आओ ना बाबा, आओ आओ।
चांद, मैं ना आपकी पट्टी करने आई थी, आप क्या कर रहे हैं? वो मैं शर्ट निकाल रहा था, निकाल ली। आपको ना कोई भी काम वाम खुद से करने की जरूरत नहीं है, अभी आपकी तबीयत नहीं ठीक हुई, कोई भी काम हो ना आप मुझे बोल दिया करें। थैंक यू, लेकिन अब ठीक हूँ मैं फिलहाल। वो जी, मैंने ना आपके लिए तहज्जुद में इतनी सारी दुआएं मांगी थी तभी आप ठीक हुए हैं। खैर मुझे बताइए, आपको कोई काम तो नहीं है? नहीं नहीं फिलहाल तो किस इसको आयरन कर दो। मैं यहीं पे प्रेस कर दूं? हाँ ओके। जी के नाम की कसम खाऊंगी, जहां हमको ले जाए वहां जाऊंगी। बेगम, इस्त्री कर दो ना मेरी शर्ट। जी। हाय, क्या शर्माती हो तुम। वैसे तुम मेरे साथ कितनी सूट करती हो? कितनी? इतनी कि दुनिया देखते ही जल जाए। लोग हमसे जल रहे हैं चांद। कुछ स्मेल से भी आ रही है। सॉरी, चल गई मेरी शर्ट। सॉरी चांद, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरी इतनी फेवरेट शर्ट में जला दी यार। चौक सितारा को बुला के आओ। सितारा को? हाँ जाओ। गॉड सेक्स यार, फंस गया हूं मैं यार इनमें। अरे बाबा तुम यहां बैठो, मैं अम्मा को लेके आया। अरे बच्चा, बाबा को एसी ऑन करके बिठाओ, अल्लाह इसका दुगना अजर देगा। ठीक है। अच्छा बाबा मेरी बात सुनो ना, ये सबको संभाल लेना, मेरी अम्मा को ये ना लगे कि मैं तुम्हें घर दिखाने लगा, सही है? अरे बच्चा, बाबा के आगे किसी की चू नहीं चलती, समझा? मेरे अब्बा भी यही बोला करते थे, लेकिन अब अब्बा चुप हो गए, अम्मा बोलती रही। खैर मैं अम्मा को लेके आता हूँ, बैठो बैठो।